हेलो दोस्तों, पुनीरू व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो काइंडली वीडियो लास्ट तक देखें एंड अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटी सी कम्युनिटी का पार्ट बनना। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज एक ऐसा मंदिर में जिसके बारे में शायद ही आपने कोई वीडियो देखा है अब तक सोशल मीडिया में। हम धारेश्वर मंदिर पहुंच गए। ये मंदिर धारी पुणे में स्थित है। मंदिर के गेट से अंदर आके आपको सीढ़ियां चढ़कर मंदिर जाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, एक बात बता दूं, आपको पूजा के लिए सारी सामग्री मंदिर के बाहर ही मिल जाएगा। यहाँ आकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। सुबह सुबह हम यहाँ आ गए और भोले बाबा माता पार्वती के दर्शन करके मन बहुत ही आनंदित हो उठा। यहाँ आप भोले बाबा एंड माता पार्वती दोनों के दर्शन कर सकते हैं। डुमरू, रुद्राक्ष, त्रिशूल ये भोले बाबा का होने का एहसास दिलाता है। अगर दोस्तों आप पुणे में रहते हो तो आप यहाँ जरूर आना, आपको अच्छा लगेगा। श्री धारेश्वर मंदिर बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड है, काफी बड़ा एरिया है एंड हॉल भी यहाँ बहुत बड़ा है। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एंड शाम को फिर 4:30 बजे से दर्शनार्थी के लिए खुलता है। मंदिर का हमने पूरा परिक्रमा भी किया। यह दोस्तों एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ भी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हर हर महादेव कमेंट में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी।